अच्छा, हम बात करेंगे यात्रा के दौरान अगर आपका वेटिंग टिकट है तो उसे आप जो है कैसे कंफर्म करवा सकते हैं। रेलवे में यात्रा बहुत ही आसान हो सकता है। दरअसल रेलवे ने अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के नियमों में बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के टिकट को लेकर एक अपडेट साझा किया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है और आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको टिकट कन्फर्म हो सकता है। इससे पहले यात्रा के दौरान यात्रियों को टिकट कंफर्म होने की अगर कोई बात करता था तो उससे लोग यही पूछते थे कि कितने पैसे लेकर, यानी कि कितने पैसे देकर यह सीट खरीदी है। आपको बता दें कि पहले टीटीई पर पैसे लेकर सीट देने का आरोप लगता रहा है। रेलवे की तरफ से जारी नए नियम के अनुसार अब इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन सीटों की संख्या दिखाई दे, जिससे कि यात्रियों को करंट काउंटर पर जाकर अपनी सीट की बुकिंग करवा सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि टीटीई के पर गलत तरीके से सीटों को बेचने का आरोप लगता रहा है। आपने भी रेलवे में यात्रा के दौरान इस तरह की घटना को महसूस किया होगा। दरअसल रात में अगर आपको सफर करना है और आपके पास वेटिंग टिकट है तो ऐसी स्थिति में आप टीटी के इन कारनामों को देखे होंगे या फिर आपने देखा ही होगा। रेलवे के द्वारा जारी नए नियम के अनुसार अब टीटी के हाथों में हैंड हेल्ड मशीन दे दी गई है। यह मशीन चलती ट्रेनों में सीटों की स्थिति को दिखाएगी। साथ ही साथ टीटी अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से यात्रा करते हुए पकड़ते हैं तो यात्रा के दौरान कितना चार्ज लेना है, इन सब की गणना वे आसानी से इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो उत्तर मध्य रेलवे में 1018 स्टाफ को इस तरह की मशीनें दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लगभग ट्रेनों में टीटी को यह मशीनें मुहैया कराई जाएगी, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान सीट को लेकर काफी परेशानी का सामना न करना पड़ सके और उन्हें जो है यात्रा के दौरान उनकी टिकटें जो है आसानी से कन्फर्म हो सके। अब इधर उत्तर मध्य रेलवे के CPRO डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया है कि मशीनों के मिलने से वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आसानी होगी। चार्ट बनने के बाद वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की सीट उपलब्ध करा दी जाएगी। सीट खाली होने पर वेटिंग हो या फिर RSC कंफर्म होने पर यात्रियों की विस्तृत जानकारी मशीन के माध्यम से अपलोड करा दी जाएगी। आपको बता दें कि हैंड हेल्ड मशीन में इंटरनेट सर्वर के साथ कनेक्ट किया गया है। PRS सिस्टम से जुड़े होने के कारण ट्रेन छूटने के पहले तक करंट काउंटर से बिके टिकटों का भी अंतिम अपडेट मशीन में होगा, जिससे कि यह पता चल पाएगा कि करंट में कितनी टिकटें कटी है। साथ ही साथ ट्रेन के चलने पर अगले स्टेशन से पहले तक की खाली सीटों की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे कि पहले स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पहले करंट काउंटर से भी सीटों की बुकिंग हो सकेगी और लोग जान सकेंगे कि अगले स्टेशन तक जो है कितनी सीटें खाली है या फिर नहीं है। इन सब को स्टेटस जो है ऑनलाइन दिखता रहेगा। आपको बता दें कि पहले आरक्षण चार्ट ट्रेन चलने से 3 घंटे पहले छपता था और उसे ट्रेन में चिपका दिया जाता था। ऐसे में 3 घंटे के दौरान अगर किसी व्यक्ति को ट्रेन छूट जाता है या फिर उसका टिकट कैंसिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में टीटी के पास पूरी खाली सीटों की लिस्ट रहती थी और यात्रा के दौरान सीटें बेचने का उन पर आरोप भी लगता रहा है। अब जब रेलवे ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया है तो इससे यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ टिकट वेटिंग की भी समस्या कुछ हद तक दूर होगी, क्योंकि जब ट्रेनें चल देगी तो ऐसी स्थिति में जो है अगर आपके पास वेटिंग टिकट है या फिर RSC है तो आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि कितनी टिकटें जो है वेटिंग में बची हैं या फिर RSC में हैं, और ऐसे में आप TT के पास जाकर कह सकते हैं कि आप हमें सीटें दें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।